आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह मंदिर भ्रमण, गौ सेवा के बाद लगाया जनता दरबार, दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी फरियाद, निस्तारण का दिया भरोसा, कहा किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों और उनके परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल संवाद, दी शुभकामनाएं, कहा जीत की भावना से खेले, करे प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ की औपचारिक परिचय बैठक, प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश, मुख्यमंत्री से मिलकर ब्लॉकों के प्रमुख दिखे उत्साहित। बुधवार को योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कुल 8,025.47 लाख रुपए के लागत की 123 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास, कहा विकास के लिए धन की नहीं है कमी, गोरखपुर के विकास संबंधी सभी मांगों को किया जा रहा है पूरा, कोरोना के कारण निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा रोजगार, जिससे बन सके आत्मनिर्भर। बुधवार को जिला अस्पताल सहित 18 केंद्रों पर 6,223 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, सीएमओ ने कहा नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं, टीका जीत का। आबकारी एवं मद निषेध विभाग के मंत्री ने किया जनपद का दौरा, बीजेपी पदाधिकारियों से की मुलाकात, कहा भ्रष्टाचार और अवैध शराब विक्रेताओं पर योगी सरकार है सख्त, कड़ी कार्रवाई से रुका राजस्व घाटा। गोरखपुर में बुधवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,330, अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 56 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। ड्रग विभाग ने बुधवार को किया भालोटिया मार्केट में दवा के दुकान की चेकिंग, दवाओं का सैंपल लेकर भेजा जांच को, ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा दवाओं के रखरखाव को लेकर की गई है चेकिंग, जिससे लोगों को मिल सके शुद्ध दवा। पेट्रोल और डीजल की दामों की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों ने टाउन हॉल स्थित पेट्रोल पंप पर चलाया हस्ताक्षर अभियान, बढ़े दामों को वापस लेने की मांग। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया कोरोना नाइट कर्फ्यू बुधवार को भी रहा लागू, सड़कों पर बेफिक्र घूमते नजर आए लोग, मिला जुला रहा नाइट कर्फ्यू का असर।